आवर्धन बढ़ गए हैं। आवर्धन या मैग्निफिकेशन, काम बड़ा सिंपल है। आवर्धन या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो जैसा आपने लिखा, आवर्धन क्या होता है, ऊपर होता है प्रतिबिंब का आकार, यानी कि साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय बिंब का आकार, यानी कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों का रेशियो हो जाता है आवर्धन। ठीक है ना, क्या हो जाता है, आवर्धन हो जाता है इन दोनों का रेशियो, प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार दोनों का अनुपात हो गया। इसके तीन प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार आपको एक एक करके हमें पढ़ने हैं। कौन कौन से प्रकार है, पहले तीनों प्रकारों के बारे में मेन काम जो है वो अपने समझ लेते हैं, उसके बाद तीनों के करेंगे अलग अलग डेरिवेशन और फिर तीनों के बीच में बढ़ाएंगे संबंध। ठीक है, इतना लंबा टॉपिक है ये, तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ना और फिर तीनों के बीच में संबंध बनाना। देखो पढ़ा हुआ है वैसे आपका ये लगभग आसान टॉपिक है। क्या होता है, देखो पहला प्रकार जो होता है वो होता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ या पार्श्व आवर्धन, यानी कि ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स और लैटरल मैग्निफिकेशन। ये पता क्या होता है, आकार आकार कर रहे हैं, ऊपर भी आकार आकार बोल रहे हैं, नीचे भी, यहां आकार की जगह लंबाई हो जाएगी क्योंकि ये लैटरल है, ट्रांसवर्स के लिए एमटी लिख देंगे, लैटरल के लिए एमएल लिख देंगे, सिंपल है, कोई भी लिख दो, क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, आकार की जगह लंबाई हो जाएगी या हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ऊपर बिंब की ऊंचाई, नीचे प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये हो जाएगा अनुप्रस्थ या पार्श्व आवर्धन। ठीक है, दूसरा जो अपने को पढ़ना है वो आ जाएगा कोणीय आवर्धन। क्या आ जाएगा, कोणीय आवर्धन, यानी कि एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है ना, ये सीधी सी बात है, अभी डायग्राम बनाऊंगा उससे क्लियर हो जाएगा कि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है। और तीसरे नंबर पे हमें जो पढ़ना है वो हो जाएगा अक्षीय आवर्धन, इसको अक्षीय आवर्धन कहते हैं, एक्सियल, अनुदैर्ध्य भी कह देते हैं, अक्षीय या अनुदैर्ध्य आवर्धन। इसका मतलब होता है एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ठीक है भाई, अब ये कोणीय है तो एम थीटा से लिख दो, कोण को थीटा से लिखते हैं, तो एंगुलर है तो एंगल थीटा, ये एक्सियल है तो एम ए से लिख दो, ये तीन हो गए, एम टी या एम एल इसी का नाम है, एम थीटा एम ए, पहले तीनों पढ़ने हैं फिर इनमें रिलेशन। अब जरा ध्यान दे लेते हैं, मैंने बताया जो भी प्रिंसिपल अक्ष से ऊपर, अभी डायग्राम बनाया था ऐसे, अभी हमने डायग्राम बनाया था, याद हो सबको यहां बना देते ऐसे बढ़ाया था ना। अब इसके अंदर क्या किया था, एक यहां पे ऑब्जेक्ट रखा था, पहले ऑब्जेक्ट सीधा पॉइंट रखा था, अब ऑब्जेक्ट क्या कर दूंगा ऐसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एच वन हाइट है भाई इसकी, ठीक है, और इसका नाम है ए बी, और ये हो गया इसका पोल पी, ये हो गया इसका सी, वही जो बार बार करते हैं, एक प्रकाश की किरण या रे ऑफ जो सी से जाएगी वो तो सीधी निकल जाएगी, सी से जाती है वो सीधी जाती है ना, पता है आपको, पढ़ा हुआ है हमें, पढ़ते हैं नाइन्थ टेंथ क्लास में, सीधी निकल जाती है, और एक रे ऑफ लाइट यहां से जाएगी, ठीक है, अब यहां से टक्कर मार के वो क्या करेगी, किसी भी पॉइंट से ऐसे पास करेगी, और जहां से ये पास करेगी वहां पर बनाएगा, ये पॉइंट है तो ये जा रहा है यहाँ पे ए डैश, और ये पॉइंट है ये जा रहा है यहाँ पे ऐसे बी डैश। ये क्या था, अपने पास ऑब्जेक्ट था, ये क्या बन गई, इमेज बन गई, और इमेज कितनी ऊंची है, माइनस एच टू, माइनस एच टू क्योंकि इसके नीचे है, ये प्लस एच वन क्योंकि इसके ऊपर है, इसलिए उसको प्लस का लिखा है, उसको माइनस का लिखा है, समझ आ गई बात। अब देखो ये जो एंगल बनेगा ऐसे, ये एंगल होगा यहां से देखें, यहां से ये जो एंगल बनेगा ऐसे, देखो ये घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा है, घड़ी की उल्टी दिशा में जो घूमता है वो हमेशा पॉजिटिव थीटा वन, और यहां जो ये बनेगा ऐसे,
ये बन रहा है थीटा टू, ये माइनस का घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, और ये जो एम थीटा होता है ये यही होता है, एम थीटा जो होता है जो हमने निकाला है मैंने बताया है, ये होता है टेन थीटा टू बटे टेन थीटा वन, बस ये एम थीटा होता है। तो दूसरा भी पता चल गया, पहला तो पता चल ही गया क्या, हाइट ऑफ इमेज यानी कि एच टू माइनस का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि एच वन प्लस का, एम एल कह दो या एम टी कह दो, ये भी समझ आ गया। दूसरा भी पता चल गया टेन थीटा टू बाई टेन थीटा वन, और तीसरा जो होता है एम ए, अब आपको पता है ना ऑब्जेक्ट डी वी बटे डी यू होता है, ये बस याद रखना है, डी वी बटे डी यू होता है, वी वी क्या होता है, ये होता है वी, यहां से लेकर यहां तक वी है सारा, यहां से यहां तक यू है सारा, और यू माइनस का है, ये तो बार बार यूज किया है, ये यू है ये वी है, ठीक है इस तरीके से। तो ये आपके तीनों के मैग्निफिकेशन है, अब तीनों के बारे में अलग अलग अपने लिखेंगे स्टडी करेंगे। अपने लैटरल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पढ़ रहे थे, पार्श्व या अनुप्रस्थ आवर्धन, तो ये डायग्राम अपने पढ़ लिया था, और डायग्राम में देखो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ए बी, कितना ऊंचा है ये एच वन, और इसकी इमेज यहां बन रही है कितनी ऊंची है माइनस एच टू, ठीक है ना, माइनस एच टू हाइट है इसकी, तो माइनस क्यों नीचे की हो रहा है, और आपको पता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है या अनुप्रस्थ आवर्धन होता है एम एल, एल फॉर लैटरल, एम टी, टी फॉर ट्रांसवर्स, माइनस एच टू बाई एच वन, ये पार्शल या लैटरल मैग्निफिकेशन होता है। अब देखो ये चीज क्लियर होगी, अब ध्यान दो, इसके अंदर जब मैं एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालूंगा ना तो चीज बहुत काम आएगी, ये एंगल थीटा वन थीटा टू, क्योंकि जब एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालूंगा जैसे हमने अभी बात की थी गलती टेन थीटा टू बाई टेन थीटा वन होता है, तो उसमें टेन थीटा टू जो होता है उसके ब्रैकेट में माइनस थीटा टू आता है, तो वहां पे प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सिंपल सी बात है, आप ट्राइंगल ध्यान देना सारे, ट्राइंगल देखो ए बी उसके बाद सी, और दूसरा ट्राइंगल देखो ए डैश बी डैश सी, इस ट्राइंगल में ध्यान दो भाई ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है, समझ आ गई बात, फिर ये कोण और ये कोण भी बराबर, जिस ट्राइंगल में दो एंगल बराबर हो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, दो एंगल बराबर है तो 180 करके तीसरा भी बराबर, तीनों एंगल बराबर हो उसकी साइड का जो रेशियो होता है ना, उसकी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं, तो इनकी हाइट ए बी यानी कि इसकी हाइट ए डैश बी डैश और इसकी हाइट ए बी दोनों का रेशियो रहेगा बराबर, दोनों का रेशियो बराबर रहेगा, कोई भी और दो साइड ले लो ए डैश बी डैश बाई ए बी, तो आधार ले लो बेस, इसका आधार है ए सी, लेकिन पहले डैश वाला लिखा है तो ए डैश सी डिवाइडेड बाय ए सी, ये मैं क्या कर दूंगा बराबर कर दूंगा, क्लियर होगी बात। अब ए डैश सी क्या है मेरे पास, ए डैश से लेके सी तक जो है वो क्या है मेरे पास वी माइनस आर, और ए से लेके सी तक क्या है मेरे पास आर माइनस यू, ठीक है ना, दूरी देखा जाए तो आर प्लस यू है लेकिन कोण से इधर माइनस होता है इसलिए आर माइनस यू हो गया ये, ठीक है ना, और ए डैश बी डैश क्या है आपको पता है क्या, ए डैश बी डैश माइनस का एच टू, तो माइनस का एच टू बाई एच वन क्या आ गया मेरे पास वी माइनस आर अपॉन आर माइनस यू, माइनस यहां से भी कॉमन ले लो वी माइनस आर अपॉन यू माइनस आर, ये मेरे पास आ गया, और यही क्या है एम एल या एम टी, तो एम एल या एम टी की वैल्यू क्या आ गई, ये एम एल या एम टी का पहला फॉर्मूला आ गया, जिसमें क्या आ गया आंसर माइनस एच टू बाई एच वन वी माइनस आर बाई आर माइनस यू या वी माइनस आर बाई यू माइनस आर माइनस के साथ। अब पिछले जो दिनों अपने डेरिवेशन किया था म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर किया था, अब क्या करना है इसको सॉल्व कर लेना, एक तरफ म्यू वन ले आओ एक तरफ म्यू टू ले आओ, तो देखो म्यू टू को कॉमन ले लो एक तरफ, म्यू टू को कॉमन लोगे यहां बचा वन बाय वी, ये म्यू टू आएगा इधर म्यू टू बाय आर माइनस का एक बटा आर, अब म्यू वन को उधर ले जाओ तो ये म्यू वन उधर जाएगा एक बटा यू,
और ये न्यूमन उधर इधर ही है तो माइनस का एक बटा आर ये आ गया। इसका मतलब आपके पास क्या मिल गया, म्यू टू इंटू आर माइनस वी बाय वी आर इज इक्वल टू म्यू वन आर माइनस यू बटे यू आर आ गया। और यहां से देखो आराम से निकल जाएगा वी माइनस आर बाय यू माइनस आर निकल जाएगा। तो निकाल लो इसको, पहले तो क्या था, तो माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया वी माइनस आर बाय वी आर, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, कैंसिल ही कर देंगे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इसको यू माइनस आर लिख दिया हमारी सहूलियत के अनुसार। इसको मैं इधर ले आया वी माइनस आर बाय यू माइनस आर, यू माइनस आर को नीचे ले आओ, वी आर को उधर ले जाओ, और आर से आर आप पहले ही काट देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा वी माइनस आर बाय यू माइनस आर इज इक्वल टू म्यू वन बाय म्यू टू, और ये वी चला गया उधर वी बाय यू, ये एक नया फॉर्मूला आ गया। और इक्वेशन नंबर फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड का यूज कर लो, आपको अच्छे से पता चल गया। एम एल कह दो, एम टी कह दो, एक फॉर्मूला तो उसका है माइनस एच टू बाई एच वन, दूसरा फॉर्मूला है माइनस वी माइनस आर बाय यू माइनस आर, और तीसरा फॉर्मूला है म्यू वन वी बाय म्यू टू यू। समझ आई बात, तो तीन फॉर्मूले आ गए इसके, और ये लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हो गया खत्म। करेंगे दूसरा मैग्निफिकेशन, ठीक है, पास पहला हो गया लैटरल कह दो, ट्रांसवर्स कह दो, पार्शियल कह दो, जो जी में है कह दिया करो, लेकिन इसको याद रख लेना, ठीक है। ये इधर प्लस का था ना, यहाँ माइनस क्यों लगाया चल गया पता सबको, यहाँ प्लस का था और यहाँ क्या है माइनस है आ गया, तो इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया। अब देखो नंबर दो एडिंग डालो सारे, और नंबर दो पे क्या आ जाएगा, एडिंग लिखो सारे, नंबर दो एंगुलर मैग्निफिकेशन। अगर आप लोग हिंदी में हैं तो कोणीय आवर्धन लिख लीजिए, और ये और भी सिंपल रहेगा, और ये जो डायग्राम हम बना रहे हैं ये कोणीय आवर्धन में भी सेम बनेगा, है ना, तो दो बार बनाने की बजाय वहां भी लिख सकते हो कि सेम यही चित्र यहां बनेगा। जब नोट्स प्रिपेयर करो उसमें ऐसे लिख लेना कि ये चित्र सेम वहां पे बनेगा। और कोणीय आवर्धन को मैं एम थीटा से लिखता हूं, और क्या होता है कल भी बताया था, कितनी बार बता दिया, टेन थीटा टू बटे टेन थीटा वन होता है, टेन थीटा टू बटे टेन थीटा वन, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना, ये मुख्य अक्ष ये लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इमेज द्वारा बनाए गए एंगल की स्पर्श दिया टेंजेंट, और ऑब्जेक्ट द्वारा बनाए गए एंगल की स्पर्श दिया का अनुपात टेंजेंट्स का रेशियो ही क्या होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो निकाल लो भाई ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हो गए पी क्यू ए डैश, उससे निकाल लो टेन थीटा टू माइनस पी क्यू ए एस, ये वाला क्या आ जाएगा पी क्यू बटा पी क्यू बटा, क्योंकि क्या होता है लाल बटे का लंब बटे आधार, है ना, यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बेस है ए डैश पी, और ए डैश बी वही है हमारा जो बार बार किया है, ए डैश बी कितना है बी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर, अब इसको इक्वेशन नंबर वन से स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन वन चलो इसको दे लो, ये दो से स्टार्ट करेंगे। अब देखो ट्रायंगल दूसरा देखो पी क्यू ए, इससे निकाल लीजिए टेन थीटा वन, और टेन थीटा वन क्या आएगा सेम पी क्यू बटे पी क्यू अपॉन ए पी, यानी कि माइनस का पी क्यू बटे यू, और इक्वेशन सेकंड को थर्ड में डिवाइड कर दीजिए, थर्ड बाय सेकंड कर दीजिए, यही कर दो थर्ड बाय सेकंड कर दीजिए आंसर आ जाएगा, क्योंकि या सेकंड बाय थर्ड कर दो, सेकंड बाय थर्ड कर दो तो हो जाएगा टेन थीटा टू माइनस, देखो ये माइनस का है इधर, ठीक है ना, इसलिए मैंने माइनस को बाहर निकाल लिया पहले ही, क्योंकि टेन माइनस थीटा टेन माइनस टेन थीटा होता है, डिवाइडेड बाय हो गया टेन थीटा वन, सही है ना, तो टेन थीटा वन में इसका डिवाइड कर दिया तो पी क्यू बटे वी हो गया, और माइनस का पी क्यू बटे यू हो गया, तो आपको पता है माइनस है और ये माइनस है, तो दोनों तरफ से इसको डिस्काउंट कर दो, और पी क्यू से पी क्यू बी गया,
यू चला गया ऊपर, वी आ गया नीचे, ये आ गया यू बाय वी। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज करके समीकरण एक कहती ये क्या है, समीकरण एक कहती ये क्या है एम थीटा। तो यानी कि अपने पास क्या आ जाएगा एम थीटा का मान आ जाएगा, आप कह सकते हो टेन थीटा टू बाय टेन थीटा वन, ये तो है ही, साथ में आ जाएगा यू बाय वी, सही है क्या, साथ में आ जाएगा यू बाय वी, ये इसका आंसर आ जाएगा। टेन थीटा टू यहां से निकाला था ठीक है, और टेन थीटा वन यहां से निकाला, दोनों का भाग दे दिया यू बाय वी आ गया। अब बात करते हैं तीसरा जो अपना मैग्निफिकेशन बचा है, और तीसरा मैग्निफिकेशन जो है उसका नाम आपको पता है, क्या नाम है भाई, एक्सियल मैग्निफिकेशन, जिसको आप बोलोगे अक्षीय आवर्धन, यानी कि एक्सियल मैग्निफिकेशन अक्षीय आवर्धन। अब अक्षीय आवर्धन क्या होता है उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी याद रखना, एम ए इज इक्वल टू डेल्टा, देखो डी वी बाय डी यू, डी वी बाय डी यू। अब ये उन ऑब्जेक्ट के लिए कौन, ये जो है ना इसके आगे मैंने ऐसे रख दिया कोई बॉडी, समझ गए, ऐसे रख दिया, तो ये कितनी चौड़ी है डी यू, क्या इधर भी उतनी चौड़ी दिखेगी ये, नहीं। मैं आपको पढ़ा चुका हूं स्फेरिकल एब्रेशन, पढ़ा चुका हूं क्रोमेटिक एब्रेशन, गोलीय विपतन और वर्ण विपतन, उसके अकॉर्डिंग वहां फिर बात करेंगे, लेकिन आज इतना समझो क्या ये जितनी लंबी बॉडी है उतनी लंबी दिखेगी, पहले तो लेंस का और रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस का ही रूल होता है उतनी लंबी नहीं, तो ये हो सकता है छोटी दिखे बड़ी दिखे, तो वो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि डीवी क्या है, प्रतिबिंब की चौड़ाई, प्रतिबिंब की ये लंबाई ठीक है, और ये डी यू क्या है हमारे ऑब्जेक्ट की लेंथ, दोनों का रेशियो क्या करना, सिंपल फॉर्मूला म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, क्या कर दो कोई बड़ा काम नहीं है, अवकलन कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो पहले तो वन बाई वी का डिफ्रेंशिएशन माइनस वन बाई वी स्केयर डी वी, और यू का माइनस वन बाई यू स्केयर डी यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन आर, सब जीरो, सब जीरो हो जाएगा इनका। अब क्या मिल गया, डी वी बाय डी यू निकालना है, तो मुझे तो दिख रहा है आंसर वी स्केयर म्यू टू इसके मल्टीप्लाई में इधर ले जाओ, म्यू वन इसके मल्टीप्लाई में यहां आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा वी स्केयर, नीचे रह जाएगा यू स्केयर, क्या आंसर आ गया ये। और इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको मर्जी नहीं है अपनी, एम ए है ये, इसको एम ए लिखूंगा, और ये क्या हो गया आपके पास आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, किसका आंसर आ गया ये, जैसा कि आपको दिख रहा है हमें एक्सियल मैग्निफिकेशन मिल गया। अब तीनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं, पहला था ट्रांसवर्स या लैटरल, उसका फॉर्मूला क्या था आपको वो लास्ट वाला फॉर्मूला बताना है, म्यू टू बाय म्यू वन वी बाय यू, ऐसा था म्यू वन बाय म्यू टू, बताओ ना म्यू वन बाय म्यू टू यू बाय वी, यू बाय वी वी बाय यू ठीक है, और उसके बाद एम थीटा निकाला वो है यू बाय वी, यू बाय वी है, और उसके बाद हमने क्या निकाला है एम ए निकाला है, तो म्यू वन बाय म्यू टू वी स्केयर बाय यू स्केयर। ध्यान दिया जाए, अगर मैं इस एम एन एम टी को वी बाई यू से कर दू गुणा तो बन जाएगा ये, यानी कि तीनों में रिलेशन आ रहा है, अगर मैं एम टी को गुणा कर दू वी बाई यू से, इसको वी बाई यू से गुणा कर दू ये बन जाएगा म्यू वन बाय म्यू टू वी स्केयर बाय यू स्केयर, और ये क्या है एम ए, कह सकता हूं कि एम टी का जब गुणा होता है वी बाई यू से तो एम ए मिलता है, मिलता है कि नहीं, तो यानी कि एम ए का तो पता चल गया, एम ए और एम टी का तो रिलेशन आ गया, और ये क्या है वी बाई यू उल्टा है, वी बाई यू उल्टा है एम थीटा का, वी बाई यू क्या है उल्टा है एम थीटा का, यानी कि यहां से एक रिलेशन और बन गया, ये लो यहां जगह है करवा लेते हैं छोड़े, क्या है एम टी, मुझे पता चल गया कि एम टी वी बाई यू एम ए है, अब ये भी निकाल दिया यहां से, अब इसका मतलब एम टी बटे एम थीटा मेरे पास एम ए है, क्यों, चूंकि एम थीटा होता है यू बाय वी, ये देखिए
इसलिए मेरे पास एम टी आ गया एम थीटा इंटू एम ए, ये एक और रिलेशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। एम टी इज इक्वल टू एम थीटा माइनस, कहां पर माइनस था, यहां पर माइनस था बिल्कुल, ये बच्चे ने बताया माइनस, तो ये माइनस जो है उसको साथ में लगा दो, माइनस की गड़बड़ पहले भी दिमाग में पता नहीं क्या माइनस यहाँ मैं लगाता ही नहीं हूँ, लेकिन ध्यान रखो माइनस यहाँ होता है, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सही बताया, तो माइनस यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है सिद्धिमा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी माइनस आ गया बेटा, यहाँ भी माइनस आ गया, अब क्या हो जाएगा, जो होना था वो हो गया, माइनस माइनस, तो यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं, यहाँ भी आ जाएगा माइनस। लेकिन अगर मोड ले लोगे तो हम क्या लिखेंगे कि ये रिलेशन पेपर में, चाहे ये गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है आपकी और चाहे ये आरयू है, कोई भी जिसमें ऑफिस पढ़ते हैं, आरयू और गंगा सिंह में, इन दोनों में बहुत बार आया है कि ट्रांसवर्स का जो वैल्यू होता है वो थीटा एम थीटा और एम ए के गुणा के बराबर होता है, ठीक है, लेकिन मोड में होता है बेटा ऊपर माइनस है, ठीक है ना। तो ये आपका सारा जो है मैग्निफिकेशन खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे इनको लिखेंगे।